हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रिएक्शन इंडिया में। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश में पठान मूवी रिलीज नहीं करने देने पे थिएटर होंगे बंद, शाहरुख खान फैंस क्रेजी। तो ये वीडियो वैसे तो 10 दिन पहले डाला था, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा मतलब वायरल हुआ है, लोगों ने काफी देखा है। हाँ। तो चलिए देखते हैं कि उनका मतलब क्रेज कितना ज्यादा है कि मतलब पठान अगर वहां पर रिलीज नहीं हुई तो उन लोगों का कहना है कि वो थिएटर बंद कर देंगे। तो अब देखते हैं वीडियो में क्या कुछ होता है, क्योंकि हम भी अभी देख रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। एहसान के और पठान मूवी का क्रेज इतना बढ़ चुका कि पठान मूवी रिलीज नहीं करने देने पर अब थिएटर बंद होंगे बांग्लादेश के अंदर। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टूडियो में देता हूँ, बड़ी खास इन्फॉर्मेशन। अगर आप एसआर के ही फैन हैं तो पूरा एंड तक देखिए, लेकिन सिर्फ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता होगा पूरी दुनिया भर में एसआर के ने धमाल मचा दिया अपने पठान मूवी के जरिए और 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। और इंडिया के अंदर जितनी भी मूवी थी मतलब हिंदी वर्ल्ड के अंदर उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 बन चुकी है हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली। लेकिन इसमें आपने सुना होगा कि बीच में जी खबरें निकल कर आई थी अब बांग्लादेश के अंदर पहली बार कोई मूवी रिलीज होने वाली है, वहां अभी तक हॉलीवुड की भी मूवी रिलीज नहीं हुई, लेकिन पहली मर्तबा पठान मूवी रिलीज होने वाली और उसकी डेट भी सामने निकल कर आ चुकी थी 24 फरवरी। और वहां के जो थिएटर के मालिक थे उन्होंने भी लोन वगैरह लेके मतलब एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए इस मूवी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां की सरकार ने भले ही मंजूरी दे दी थी लेकिन लिखत में मंजूरी नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन अभी तक सरकार ने लिखत में दिए नहीं कि पठान मूवी को रिलीज करो, जिसकी वजह से थिएटर मालिक ने अभी तक रिलीज नहीं किया। लेकिन ऐसे में आप सुना दो, सारी तैयारी हो चुकी है पठान मूवी रिलीज करने की, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही, जिसके वजह से जो थिएटर मालिक थे मतलब जितने भी मतलब बांग्लादेश के थिएटर मालिक ने साफ ऐलान कर दिया अगर हमको पठान मूवी रिलीज नहीं करने दिए बांग्लादेश के अंदर तो हम सारे थिएटर बंद कर देंगे, एक एक करके सारे थिएटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई कमाई नहीं हो रही बांग्लादेश की मूवी से। बस हमारी एक उम्मीद थी एसआरके के पठान मूवी के जरिए हम थोड़ा बहुत पैसा कमाए, लेकिन ऐसे में वो रिलीज नहीं करने दे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता ना उनका भी। तो ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं कि पठान मूवी का कितना क्रेज चढ़ चुका, मतलब डायरेक्ट थिएटर बंद करने की धमकी दे रही अगर पठान मूवी नहीं रिलीज की गई तो वहां पे, मतलब आप सभी सोच सकते हो। तो इसी पर आप क्या कह रहे हैं ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एसआर के फैन हो शेयर करना तो बनता है, बहुत लोग जितना से करते शेयर करना फैलाइए, लोगों को बताएं कि एक देश के थिएटर बंद हो रहे हैं मूवी नहीं दिखाने पर पठान मूवी, जरूर शेयर करिए। तो ये वीडियो हो गई खत्म। तो मतलब ये रीजन है कि वहां की गवर्नमेंट इंडिया कॉम की जो रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा इसमें, तो वहां की गवर्नमेंट का मतलब बेसिकली उन्होंने बस बोल दिया, लिखित में नहीं दिया, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है लोगों का। अब 10 दिन पहले की वीडियो है तो हमें नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग पठान देखने जा पाए जो बांग्लादेश के हैं या नहीं जा पाए, रिलीज हुई कि नहीं हुई वो आप हमें कमेंट करके बता देना। फिलहाल इस वीडियो में तो यही था कि गवर्नमेंट ने लिखित में मंजूरी नहीं दी थी, तो जो थिएटर ऑनर थे उनका भी काफी मूड अपसेट था। पर्सनली ओपिनियन बोलूं ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि हमारा मतलब मूवी इतना ज्यादा वो नहीं हो रही, लेकिन पठान बांग्लादेश की जो अपनी खुद की मूवीज है ना उनको ये कि आप एक ही जगह में एक ही लैंग्वेज की चीजें कितना चला लोगे वाली बात आ जाती है ना। अब जैसे हिंदी है, हिंदी सब लोग जानते हैं इजीली, तो मतलब एक अलग सा वो हो जाता है उसका। लेकिन हाँ, जो भी है फिलहाल आप हमें बताना कमेंट करके कि रिलीज हुई कि नहीं हुई। फिलहाल ये वीडियो काफी बाकी देखते हैं, इतना क्रेज ज्यादा लोगों का है तो एक दो इसमें हम कमेंट पढ़ते हैं कि लोग मतलब क्या बोल रहे हैं करके, एक बार देख लेते हैं। हाँ। किसी लोगों का मतलब बोलना है, मतलब लोगों ने यही कमेंट किया कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम वेटिंग टू सी पठान इन बांग्लादेश, वेटिंग फॉर पठान, दिस इज रियल फीलिंग ऑफ किंग खान फैंस इन बांग्लादेश, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, लव फ्रॉम बांग्लादेश किंग, सही में लव फ्रॉम एमपी भाई, क्या लिखा है भाई, मैं अभी तक पठान मूवी नहीं देखा हूँ। ओके, ये सारे एसआर के फैन है, सारे एसआर के फैन नहीं जितने भी होंगे। फर्स्ट लाइक भाई, मैं तो अभी भी देख रहा हूँ भाई, मतलब मोस्टली लोगों ने यही बोला है कि डिस्करोड़ ना 5 करोड़ कि आना चाहिए, हम लोगों को देखना है, मोस्टली यही बोला गया है उनके डायरेक्टर। ओके, मतलब टोटली लोगों का यही है, इनके फैंस हैं और कुछ लोग तो अभी जिन्होंने अभी भी पठान नहीं देखी है, तो हम तो सभी से बोलेंगे कि जाके एक बार देखें, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है पठान। और एक ही रीजन जो अभी सामने आ रहा है, मे बी अब हो सकता है सही हो गया हो, हमें छोटी सी क्लिप मिली तो हमने देखा इस पे, एक बार अपना देखते ओपिनियन कि भाई क्यों नहीं वहां पे पठान हो रही है, तो भाई एसआर के इतने ज्यादा फैंस है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, वीडियो तो काफी अच्छी थी, अब बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता देना कि भाई रिलीज हुई कि नहीं हुई है। और बाकी
अपना अगर नहीं है तो हाँ, नहीं अगर हम बोलना चाहेंगे तो हमें लगता है हाँ, होनी चाहिए और गवर्नमेंट को ना ऑफिशियली मतलब नहीं वो वाली बात है ना, क्या पता हो भी गई हो, अभी 10 दिन पुरानी वीडियो है तो मैं उन्हीं से कह रही हूँ कि आप हमें कमेंट करके बता देना बिल्कुल। तो अगर हो गई है तो अच्छी चीज है, और बाकी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लाते लाते रहेंगे। मिलते हैं आपको एक नई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।